हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिक सॉफ्टवेयर एकेडमी। आज हम आपको बताएंगे कि मटेरियल रिसिप्ट नोट किस तरह से क्रिएट की जाती है टिक सॉफ्टवेयर में। मटेरियल रिसिप्ट नोट एक ऐसा नोट होता है जिसमें हम मटेरियल रिसीव करते वक्त बनाते हैं, जो स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल रिसीव करते वक्त बनाता है या परचेज डिपार्टमेंट बनाता है कि उसने क्या क्या मटेरियल रिसीव किया, किस पार्टी से रिसीव किया, कितनी अमाउंट थी, कितनी उसकी वैल्यू थी, कौन से ट्रांसपोर्टर से आया था, उस पर क्या क्या चार्ज लगे हुए थे, यह सब आप उसमें डिफाइन करते हैं। कुछ कंपनीज में इसे गुड रिसिप्ट नोट के नाम से भी जाना जाता है, GRN। आइए देखते हैं कि टिक सॉफ्टवेयर में किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हम वेंडर ऑर्डर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मटेरियल रिसिप्ट नोट पर क्लिक करेंगे। मटेरियल रिसिप्ट नोट बनाते वक्त आप ये देखेंगे डॉक्यूमेंट नंबर जो MRN नंबर होगा वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। डेट आप फिल करेंगे, किस डेट को आप मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, बिल नंबर क्या है, बिल डेट क्या है, ये आप फिल करेंगे, किस पार्टी से आया है, पार्टी का एड्रेस क्या है, कौन से ट्रांसपोर्टर से आया है, फ्रेट टू पेड है या पे हो चुका है या फ्रेट है ही नहीं, पेमेंट क्या है, कैश, क्रेडिट, स्टॉक ट्रांसफर, इमीडिएट, ये सब चीज़ आप इसमें फिल करेंगे। GRN नंबर, GRN डेट, GRN नंबर, GR नंबर का मतलब है कि जो आपका गुड रिसिप्ट है, गुड जो है वो कौन लेकर आया है, जो मटेरियल किस ट्रांसपोर्ट से आया है उसका जो नंबर होगा। बेसिकली कई जगह इसे बिल्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हम यहाँ फिल करेंगे। अगर आप जो PO, फिर हम F1 दबाकर PO नंबर में PO सेलेक्ट करेंगे, किस PO के अगेंस्ट वो मटेरियल आया है, हम वो सेलेक्ट करके ओके करेंगे। उससे आपका आइटम कोड, आइटम नेम जो उस PO में होगी वैल्यू, वो सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। आप रिसीव क्वांटिटी में डालेंगे कि आपने कितनी क्वांटिटी रिसीव करी है, और रिजेक्ट है अगर मान लीजिए 500 पीस उसने भेजे हैं, आपने देखा कि उसमें 10 पीस रिजेक्ट हैं, तो आप यहाँ पे डालेंगे 10 पीस रिजेक्ट हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी वो सारी आप डालेंगे इसमें। चार्ज क्या क्या लगे हुए हैं वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे चार्जेज में, कितना टैक्स लगा है, वैट है, एडिशनल है, फ्रेट है, डिस्काउंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका MRN सेव हो जाएगा, उसमें नोटिफिकेशन आएगा MRN हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। आप उसे ओके क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म बंद हो जाएगा और जो मटेरियल आपने रिसीव किया वो आपके सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। तो ये था MRN मटेरियल रिसिप्ट नोट टिक सॉफ्टवेयर में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tickforgrowth.com पर विजिट कर सकते हैं। डेमो के लिए हमें मिस कॉल दीजिए 7533016990 पर, या फिर हमें मेल ड्रॉप कीजिए sales@tickforgrowth.com पर। थैंक यू वेरी मच।